भाई अस्सलाम वालेकुम। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको सलाम अर्ज करती हूँ। मैं पाकिस्तानी पाकिस्तान से आई हूँ, कराची में रहती हूँ, और मेरी आप लोगों से अपील है कि प्लीज़ हम लोग एक महीने से ज़्यादा हो गया है, मैं अहमदाबाद में हूँ मेरे दो बच्चों के साथ, मेरे साथ कोई मर्द हजरात नहीं है। तो आपसे मेरी खास अपील है, पाकिस्तान से भी अपील है और इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से भी अपील है कि मुझे यहाँ से जितना जल्दी हो सके आप यहाँ के रस्तों को आसान कर दें ताकि हम अपने अपने वतन पहुंच जाए। और अब हमारे पास इतना नहीं है, एक महीने तक का इंसान पैसा लेकर आता है, एक महीने से ज्यादा हो गया है, हमारे पैसे भी खत्म हो गए है और रहने रहने का कोई इंतजाम नहीं है। हम लोग किसी और के घर में रहते हैं मगर वहां पे भी उनका छोटा घर है, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि प्लीज आप हमारी ये अर्ज सुनकर और ये वीडियो को हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं ताकि हमारे उनको भी कुछ हो के वो रास्ते को आसानी से खोले और हमारे हम सब जितने भी हम जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं वो हम अपने अपने घर आसानी से पहुंच जाएं। शुक्रिया, मैं आपका इंडिया की गवर्नमेंट का बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे बहुत इन लोगों ने भी साथ दिया है और पाकिस्तान की कमिश्नर ऑफिसर ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। बस खाली अपील आपसे ये है कि आप कोशिश करके जितना जल्दी हो सके लॉकडाउन को खोले और हम अपने घर वतन वापस पहुंच जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इंडिया की गवर्नमेंट से यही खुशखबरी देनी है कि मुझे इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मैं उनका खास थैंकफुल अदा करना चाहती हूँ। और जैसे मुझे इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट किया, इसी तरह से मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इसी तरह सपोर्ट किया है। और आज हम इंशाल्लाह 5 मई को बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। और पहले जैसे हमने वीडियो बनाकर भेजी थी, यही अपील की थी कि इंडिया की सरकार हमें जल्द से जल्द हमारे वतन हमें भेज दे। तो उन्होंने हमारी अपील को इतना आगे तक पहुंचाया और इतना जल्द उन्होंने हमारा कदम उठाया और आज हम 5 मई को अपने बॉर्डर क्रॉस करके इंशाल्लाह अपने जल्द से जल्द अपने वतन तक पहुंच जाएंगे। तो मेरी यही उम्मीद है और मेरी यही काविश है कि आपस में इंडिया और पाकिस्तान में इसी तरह से मोहब्बत रहे, जो भी इनके अंदर डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए और हमें वीजा मिले और हम वीजा मिले और हम जैसे हमें वीजा मिलते हैं हम हमारी दरगाह पर आते हैं ज्यारत के लिए। और हमारा यही मकसद है कि हमें इसी तरह से वीजा मिलता रहे, हम हमारी दरगाह पर आए और हमारी ज़ियारत का मकसद हम पूरा कर चुके हैं। तो बस मैं थैंकफुल अदा करना चाहती हूँ, इंडिया की गवर्नमेंट ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, मुझे घर पर लेने आई और उन्होंने मुझे एक जगह पे हमारी दरगाह तक उन्होंने पहुंचाया और मुझे बहुत तकलीफ थी रहने की उन्होंने मुझे रहने का एक स्थान दे दिया और मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो मेरा दोनों गवर्नमेंटों से थैंकफुल हूँ मैं। बार बार मैं कह रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। बस इसी तरह से जो दूसरे पाकिस्तानी भी फंसे हुए हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाए और उनका भी जो नहीं मामला हल हो रहा वो हल हो जाए। शुक्रिया।